पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। परिवार के 6 सदस्यों को मारने वाली महिला को मौत व मौत की खबर अच्छी लगती थी। केरल पुलिस के अनुसार 2002 से 2016 तक साइनाइड खिलाकर परिवार के 6 सदस्यों को मारने वाली जॉली ने हत्याओं के पीछे की वजह उसकी ऐशो आराम वाली जिंदगी की चाह बताई। अपने पहले पति की हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ गई थी कोयम्बटूर घूमने। उसने बताया कि जॉनसन से शादी करने के लिए वह उसकी पत्नी और अपने दूसरे पति की हत्या करने में असफल रही थी। साइनाइड किलिंग 6 हत्याओं की आरोपी जॉली ने पुलिस को कहा, मुझे रोमांचित करती है मौत से जुड़ी खबरें। पुलिस के अनुसार जॉली थॉमस ने इस बात का खुलासा किया है कि मौत और उससे जुड़ी खबरें पढ़ना उसे पसंद है। वह हमेशा मौत के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। सभी 6 हत्या को जॉली ने स्वीकार कर लिया है। 3 अपराधियों के खिलाफ सबूत है। पुलिस ने कहा, जॉली थॉमस के दूसरे पति शाहू के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। पीएमसी घोटाला, पूर्व एमडी जॉय पीए से शादी करने को बना था जुनेद। दूसरी पत्नी को गिफ्ट किए थे 9 फ्लैट। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। बता दें कि पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ के घोटाले मामले में जॉय थॉमस के एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वाधवन और उनके बेटे सारंग, इसके अलावा बैंक के पूर्व चेयरमैन वरियाम सिंह जेल में है। जॉय ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया था। अपनी दूसरी बीबी को उन्होंने पुणे में 9 फ्लैट गिफ्ट किए। इनकी कीमत 4 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। थॉमस के मुंबई और ठाणे के 4 फ्लैट जब्त किए गए हैं। इनमें से 1 फ्लैट उनके बेटे के नाम पर है। हापुड़ के एसडीएम ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला से की शादी। हापुड़ उत्तर प्रदेश के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने उस महिला से मंदिर में शादी कर ली है जिसने उन पर शादी का वादा करके 4 साल तक यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। एडीएम विद्यावासिनी रॉय के मुताबिक 35 वर्षीय महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि वह 2 बार गर्भपात भी करा चुकी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।